कहते हैं अगर परिवार का मुखिया कहीं चला जाए या अकारण किसी हादसे या अन्य वजह से उसकी जान चली जाए तो परिवार पर मानो वज्रपात हो जाता है। उस समय और भी ज़्यादा मुसीबत और परेशानी ऐसे परिवार के लिए खड़ी हो जाती है जब ना तो आय का कोई जरिया हो और ना ही परिवार में कोई दूसरा कमाने या घर का गुजर बसर करने लायक हो। आज पल पल राजस्थान आपको एक ऐसे ही परिवार से मिलवा रहा है जिस परिवार के मुखिया की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। लेकिन झटका तब और ज़्यादा लगता है जब सरकार की ऐसे लोगों के लिए लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाएं भी फुस हो जाती है और ऐसे मजबूर और लाचार लोगों तक कोई मदद पहुंच ही नहीं पाती है। हैरानी तब और ज़्यादा होती है जब इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए यह लोग महीनों और सालों तक इन विभागों के चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन इन योजनाओं को अमल में लाने और इसका लाभ सही पात्र तक पहुँचाने वाले अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए ऐसे लोगों से मुँह ही फेर लेते हैं। आइए आज पल पल राजस्थान आपको एक ऐसी वृद्ध और बुजुर्ग महिला से मिलवा रहा है जिसके दुखों पर सरकारी योजनाएं भी कोई मरहम नहीं लगा पाई। बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तो इनकी पहुंच से आसमान से तारे तोड़कर लाने जितनी दूर हो गई और योजनाएं इनके लिए किसी सपने जैसी हो गई है। दरअसल यह पूरा मामला है राजसमंद जिले के धोइंदा नगर पालिका का, जहाँ क्षेत्र में बंशीबाई गवारिया नाम की एक बूढ़ी माँ अपने बेटे प्रकाश के साथ बीते करीब 30 सालों से रह रही है। बंशीबाई के पति गिरधारी लाल गवारिया आसपास के क्षेत्रों में लगने वाले मेलों में जाकर छोटी मोटी दुकानें लगाते थे और उससे होने वाली आय से अपना और परिवार का पेट पालते थे। लेकिन भगवान को शायद यह भी गवारा नहीं था और एक दिन गिरधारी लाल ऐसे ही कई दुकान लगाकर जब अपने घर लौट रहे थे तब किसी वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और उनकी मौत हो गई। इस हादसे में वृद्धा बंशीबाई की कमर ही तोड़कर रख दी और वह बेघर हो गई। बंशीबाई के बेटे प्रकाश गवारिया ने बताया कि सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात का मौसम हो, अब सड़क पर खुले आसमान के नीचे रहना ही इनकी मजबूरी बन चुकी है। बिजली, पानी, शौचालय तो अब इनके लिए किसी सपने समान हो चुका है। लेकिन इन्हें अगर उन सरकारी योजनाओं का भी लाभ अगर मिल जाए जिसके चलते इनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था हो जाए तो यह इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस वृद्धा के बेटे प्रकाश के मुताबिक वह कई नेताओं के प्रधानमंत्री आवास के तहत मिलने वाले मकान को लेकर सालों से चक्कर काट रहा है, लेकिन अब वह मकान में रहने की आस ही छोड़ चुका है। ऐसे में सभी समाजसेवी संस्थाओं, स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि इनके लिए जितना हो सके सरकारी मदद पहुँचाने का प्रयास करे, ताकि ये माँ बेटे अपना बचा कुचा जीवन कुछ सुकून और राहत भरी जिंदगी के साथ जी सके। बंसी भाई, कई सहायता मिले सरकारों कोरोना में मिलियो खाली कर मतलब बात नहीं मिली। तो अबनो कई मकान वगैरह रेवरो नहीं है तो कई कहनो चाहो सरकार ने के मकान वास्ते नाले में कई मकान वास्ते घेरे बहुत ही मकान वास्ते ये कई आज कोई करे कार्रवाई की करे बहुत ही आज खबर पहुंचाया आगे। हां ये बात कई ज़्यादा बारिश में और गर्मी में हम नहीं रहते, सामने सो जाते हैं और जीरा बेचते लेडीज बाल जाते। पहले स्वाति श्रीमंग नौकरी थी, प्रकाश की पगारिया फोन को टाइम नहीं। अब कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं 3 साल से ऊपर हो गए हैं और मकान में किराया देते थे वहाँ मैं 45 साल से ऊपर हो गए घूमबा जबड़े घुमा। अच्छा, कुछ नहीं मिली, सिर्फ कोरोना में हमारे को राशन पानी मिला था सिर्फ लाते जो। अच्छा, अभी आपको? अभी कुछ नहीं मिल रहा, अभी राशन कार्ड दो मिलते 20 किलो। सरकार ने आपको या किसी प्रशासन ने आपको रूम मकान के लिए कुछ? कुछ नहीं बोला, उन्होंने फोटो लगे थे वार्षिक वकील साहब के थे। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि अब बोल रहे हैं कि तुम रेम मिश्र, हम रेम मिश्र जाने नहीं चाहते। फिर हम क्या है कि रेम मिश्र मतलब हारे नहीं हमें, खतरा आदमी होना ये भी सोचे तुम सोचे वहाँ हारे नहीं हमें। तो उन्होंने बोला यहाँ आस पास में कहीं तुम्हारा मकान बनाएंगे, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। वो बोलते हैं कि मोदी जी साहब के हम उनके पास खबर पहुँचाएंगे भाई, ये इनकी हैसियत ये हैसियत ये, और इनका पापा की एक्सीडेंट हो गया, हमने रिपोर्ट भी लिखाई थाने में, रात में था थाने में, अभी तक कुछ नहीं हुआ।